सियासी फिजा इस बार काफी अलग है। वोटर का मिजाज भांपना यूं तो कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन इस बार राय काफी बटी हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि जब ये कानून आया और जब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां उनके पक्ष में आने लगी तो वोट के ठेकेदारों ने गुमराह करना शुरू किया। साथ इन्होंने कहा और दंगे का भी उन्होंने जिक्र किया, कुछ मुस्लिम महिलाएं और मर्द यहाँ मौजूद हैं जो रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। सबों ने पटका भी बीजेपी का लगाया है, टोपी भी लगाई है। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उन्होंने तीन तलाक का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि स्थिति बदली जब मुस्लिम महिलाएं लड़कियां उनके पक्ष में आने लगी तो वोट के ठेकेदार महिलाओं को लड़कियों को गुमराह करने लगे, बरगलाने लगे। क्या हकीकत आप? हकीकत तो ये है, कोई किसी के भड़काए में नहीं आ रहा है, कोई किसके उसमें नहीं आ रहा है, सब एक समान एकजुट होकर चल रहे हैं, कोई किसके भड़काए में नहीं आ रहा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हो रहा है, सब इसी अच्छा हो रहा है। तो क्या सही मायने में मुस्लिम महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो बीजेपी अब मोदी को पसंद कर से मोदी योगी जी के साथ हैं सब मुसलमान, और हाँ यहाँ सहारनपुर में तो बहुत ज्यादा मुसलमान जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ सब फैन हो गए। लेकिन सब तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब भड़का रहे, ये तो फेक है सब कुछ। जी जी आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने भी उसको सुना कि अब गुमराह करने की कोशिश मुस्लिम महिलाओं को लड़कियों को की जाती है जब वो मोदी के पक्ष में बोलती हैं, तो क्या सही मायने में ऐसा है? जो उनकी बातों में आ रहे हैं ना वो बेवकूफ़ हैं, जो इनकी खिलाफ जा रहे हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। हम मुस्लिम हैं, यहाँ पे काफ़ी टोटल मार के मुस्लिम ज़्यादा है और हम सब उनके दीवाने हैं, मोदी जी के योगी जी के फैन हैं। हम अपने मुस्लिम के ज्यादा से ज्यादा वोट मिलकर अपने योगी जी को ही देंगे, इस बार भी कमल ही खिलाएंगे। ऐसा क्यों? क्या क्या काम आपको पसंद आया है कि आप वोट देने की बात कर रही हैं और समर्थन देने की बात? मेन बात तो लड़कियों की सुरक्षा है, हम किसी भी टाइम बाहर आ जा सकते हैं। पहले देखो कितना गुंडागर्दी हो रही थी, मारपीट, लड़कियों को तलाक दी जा रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब डरते हैं इस चीज से। और जी घर भी मिल रहे हैं, सबको घर मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? पैसे आ रहे हैं बैंक में सबके, बताओ और क्या चाहिए? और लेडीज को ये चाहिए बस। तीन तलाक का जो कानून बना, तो क्या उससे सही मायने में आप लोगों को ताकत महसूस होता है? जी जी बहुत ताकत महसूस होता है। पहले तो लोग तलाक एकदम दे दिया करते थे, लेकिन अब नहीं, अब हमारे साथ हमारा कानून है, हमारे मोदी योगी जी है, अब हमें किसी का डर नहीं, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। एक राय जानना चाहिए कि जो तीन तलाक की बात करते हैं हर आदमी हवाला देता है, इस कानून के बनने के बाद से क्या आप लोगों में विश्वास पैदा हुआ है? जो मोदी कहते हैं क्या सही कहते हैं? जी जी सही कहते हैं, विश्वास हुआ है, बहुत ज्यादा विश्वास हुआ है। और हम मुसलमान की महिलाओं को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं रहा है। आपकी बात जानेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा, आपने भी सुना होगा कि बरगलाने की अब कोशिश की जा रही है जो वोट के ठेकेदार हैं, कितनी हकीकत है? सर आज तक मुसलमानों को बरगलाया तो गया है, हर पार्टी ने मुसलमानों को बरगलाया, उनसे उनकी उनकी वोटें ली हैं, उनको बरगलाया, उनको अपना यूज किया, छोड़ दिया। आज योगी सरकार और मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए इस कदर काम किए हैं, आज मुसलमान इसीलिए जुड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये, हमारी जो माँ बहनें हैं इनको इतनी सुरक्षा मिली हुई है कि रात को 12 बजे 1 बजे तक भी कैसे भी घूमे फिरो जाओ, कोई कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। गुंडे लोग, बदमाश लोग जेलों के अंदर हैं। आपसे मोदी ने कहा, आपने सुना, आपको कितना उसमें लगता है कि नहीं सब प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सही कहा? कोई नहीं है टक्कर में, और सिर्फ भाजपा ही जीतेगी हर जगह, कुछ भी कर लो। और इस टाइम युवा चल दिया है भाजपा की ओर, भाजपा की ओर चल दिया युवा। ये माइनॉरिटीज का जो बजट 4500 करोड़ से 5000 करोड़ किया गया है ना, और मुस्लिम महिलाओं को जो सुरक्षा सम्मान उनके आवास बने हैं, उनको शक्ति मिली है। लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो या मुस्लिम मर्द हो, जो इस रैली में आए हुए थे, कहना है कि बीजेपी ने जो कहा है वो किया है और उनका भरोसा बीजेपी पर ही है। अब इसके लिए चुनाव के परिणामों का इंतजार करेंगे। विकास राय के साथ विकास चंद्र।